तो यहाँ पे ये मुझे मैनुअल करना पड़ रहा है, इस पर मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड हो रहा है, और अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो मुझे इसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। तो क्या तरीका ऐसा है कि हम ये एक बार में हाईलाइट कर पाए? तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले इसको पहले जैसी फॉर्म में कर देते हैं, मतलब जैसा पहले था नो फिल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रिक यूज करेंगे, वो ट्रिक क्या है चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें, अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ये जो कॉलम है हमारा, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया, ये फोर्थ कॉलम हो गया, और ये फिफ्थ कॉलम हो गया। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा मैथ का कॉलम पढ़ रहा है वो हमारा ऑड कॉलम है। ऑड का मतलब असम, विषम होता है, शायद विषम कॉलम पढ़ रहा है। मतलब क्या है, ये टू से डिवाइड नहीं हो सकता, वन जो है वो टू से डिवाइड नहीं हो सकता पूरी तरीके से, थ्री जो है टू से डिवाइड नहीं हो सकता, फाइव जो है वो टू से डिवाइड नहीं हो सकता, इसमें आपका रिमाइंडर वन बसता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो इवन कॉलम है कि ऑड कॉलम है। तो आप देख रहे हो कि ये ऑड कॉलम है, और ऑड कॉलम को पहचानने का तरीका क्या होता है, जो इवन ऑड है उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है इज इवन। अगर ब्रैकेट में उस कॉलम का नंबर लिख देते हो जो कॉलम है, जैसे मान लो ये जो कॉलम है ना, अगर इसमें मान लो ये पहला कॉलम है हमारा, ठीक है, तो ये देखिए ये फॉल्स हो गया, ठीक है, पहला कॉलम है तो ये फॉल्स हो गया। अगर यही दूसरा कॉलम होता तो ये ट्रू हो जाता, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इज ऑड एक फंक्शन है, जिसमें अगर आप यहाँ पे ऑड नंबर लिख दोगे, जैसे 1, 3, 5 जो ऑड नंबर है वो लिख दोगे, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, ठीक है, और अगर इसमें इवन नंबर लिख दोगे तो फॉल्स आ जाएगा। तो ये आइडेंटिफाई करके ये बताता है कि वो नंबर हमारा ऑड है कि इवन है, ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको और सीखना है कॉलम का। तो कॉलम का फॉर्मूला करता क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने कॉलम लिख दिया है और एंटर किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब ये 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सेकंड कॉलम है हमारा, कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम। अगर मैं इसको जस्ट आगे ले जाता हूँ ड्रैग करके, तो आप देखोगे ये थर्ड कॉलम पे आ गया, और जस्ट इसके आगे ले जाता हूँ ये हमारा फोर्थ कॉलम पे आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, केवल आपको समझाने के लिए, और आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलम नंबर आ चुके हैं, जैसे के हमारा 11th कॉलम है, तो ये 11th लिख के आ गया है, और फॉर्मूला हमारा ये है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक और यहाँ पे रो इंसर्ट करता हूँ, और यहाँ पे इससे पूछता हूँ इक्वल टू इज इवन, ठीक है, पूछ। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ कि ये जो नंबर लिखा है इसके ऊपर ये इवन है कि नहीं है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं है, बस मैंने ये नंबर सेट किया और ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया। अब जब आप इसको ड्रैग करोगे तो ये आपको बताएगा कि आप इवन कॉलम पे हो कि ऑड कॉलम पे हो, मतलब अगर ट्रू है तो इवन है और फॉल्स है तो ऑड है। तो अगर आप देखा जाए तो जहां जहां ट्रू लिख के आ रहा है वहां वहां आपका मैथ का कॉलम है। बस इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो जो पूरा फॉर्मूला जो हमारा बना वो क्या बना, ये जो फॉर्मूला है इसको आप कॉपी कर लो, और यहाँ पे जाके जो ये सेल रेफरेंस है, रेफरेंस को हटा के हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं फॉर्मूला और एंटर करते हैं। और यहाँ पे जब हम लोग ड्रैग, अब इसकी कोई नीड नहीं है इस कॉलम की, इस रो की, और यहाँ पे हम लोग ये जो फॉर्मूला हो गया हमारा पूरा, इसको यहाँ पे हम लोग ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से। तो सेम आ गया हमारा, बस आप क्या करो इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ से सेट करना स्टार्ट करो। हाईलाइट कैसे करना है, होम पे जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, न्यू रूल पे जाना है, और यहाँ पे यूजर फॉर्मूला डिटरमिन में जाएंगे और केवल यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। कर दिया, अब जिस तरीके से आपको फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ओके करते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा।
तो यहाँ पे फिर ओके कर देते हैं। आप देखोगे आपके सारे मैथ के कॉलम जो है वो हाईलाइट होके आ चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा पेज फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक धन्यवाद, गुड बाय।